हाय, मेरा नाम राखी है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरी ये आई प्रॉब्लम एज ऑफ 3 में हुई थी। मैं बचपन में बच्चों के संग खेल रही थी तो आँखों में सुरमा से चोट लग गया। उसके बाद काफ़ी साल तक ऐसे ही चला। फिर एज ऑफ 16-17 में मैंने कलर लेंस यूज़ करना शुरू किया, जिससे कि मेरा आई नॉर्मल कलर दिखने लगे। वो लगा तो रही थी मैं, वो लगाते लगाते 20 साल यूज़ किया मैंने उसको। उसके वजह से आई में बहुत ड्राइनेस आ गई थी और थोड़ा मेरा आई बैंड भी होने लग गया था। और उससे क्या प्रॉब्लम होता था कि कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होता था उसको। रात को मेरे को उसको खोलना जरूरी रहता था, कंपलसरी रहता था, और उसकी वजह से कभी कभी रेडनेस आ जाती थी आँखों में। मैंने 2-3 वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये एक सोल्यूशन सही है, जिसके वजह से मेरे को विजन तो नहीं मिलेगा लेकिन मेरा एक कलर आ जाएगा आँख में, जिसके वजह से मैं कहीं भी इजीली आना जाना कर सकती हूँ। और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो इसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत होता है लेंस के वजह से, और स्पेशली रात को कहीं जाओ तो वो लेंस सॉल्यूशन कैरी करना पड़ता था। ओपनली किसी से हमने आ नहीं सकते विदाउट लेंस। लेंस कभी कभी आँख से फॉल हो जाता है, गिर भी जाता है, तो उसकी वजह से भी डर रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेंस लगा के नहीं की जा सकती है, जो नॉर्मल आईज ऐसा अगर ट्रीटमेंट कराएं तो उससे आराम से हो जाएगा। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ i7 में ये ट्रीटमेंट होता है तो मैं यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मैंने ये करवाने का सोचा। अच्छा ही लगा, मुझे थोड़ा मन में घबराहट था लेकिन मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी लोग आए हुए थे, उनसे बात करके मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैंने राइट डिसीजन लिया है। हेलो, आई एम डॉक्टर निष्ठा खुराना। टुडे वी आर डूइंग अ केस ऑफ कॉर्नियल टैटूइंग। द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड टू अस विद दिस वाइट ओपेसिटी इन द कॉर्निया। एज यू कैन सी, इधर का कॉर्निया टोटल वाइट है और इधर कॉर्निया डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल है। सो शी हैज़ बीन हैविंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एंड द आई इज़ ऑल्सो स्क्विंटेड, थोड़ा सा आँख टेढ़ा है। ठीक है, तो अभी आज हम व्हाट वी आर डूइंग फॉर हर इज वी आर जस्ट मेकिंग दिस एरिया ब्लैक, ताकि दोनों आँखें एक जैसी दिखाई दें। ठीक है, एंड इन द सब्सिक्वेंट विजिट हम एक स्क्विंट सर्जरी करके आई को सेंट्रल फिक्सेशन देंगे। राइट, ठीक है, लेट्स प्रोसीड। So here I am describing the tattoo machine now. This particular one is the console of the tattoo machine. This is the power inlet. This particular switch goes into the hand piece, which is called as a tattoo gun or the tattoo pen, which comes with a disposable needle. Every time we attach a fresh needle to the tattoo pen, like something like this. This is so easy to click on and it is attached. By pressing a deep press inside, it is switched on and it shows a frequency here, which is right now 2. And we usually do it with a frequency of around 4. That is the speed of machine which will it work. The second attachment goes to the foot pedal right there. So the moment you press the foot pedal, this vibrates and needle inside it oscillates longitudinally, which is to and fro motion. Ye needle bahar aati hai, andar jaati hai. It is that simple. The moment you press it and the needle works. So one time use needle and we discard the same needle at the same time and turn the machine off. So now we are starting the surgery. First of all, we'll remove the epithelium so that the pigment goes right into the stroma. Usually the epithelium is quite tough because of the scarring, but you can easily remove it with the help of alcohol. So this needle is a disposable needle and this is the tattoo pen. You can see a mark by which you can adjust the length of the needle. So this is 0 up to around 300 to 400 microns. You can check the length also by pressing the foot pedal. So you see the amount of excursion is very less. This is the amount of needle which is coming out, which is perfect. Right, dal dijiye. Dalo, pani dalo. First sitting only, the almost it is 80% done. Only the peripheral rim is left. So the excess dye is washed.
to check again how much is the remaining. I think we are good, done a good job. Thoda sa will intensify the color in the center because it is lighter here. We'll intensify it and then we are done. Bahut mild sa mujhe color aur chahiye. Mat dho, mat wash karo. So this is the last step. We are putting a BCL over it and then we are done with a drop of antibiotic. After the procedure is done, we call the patient on day one. We check for the BCL and we check for the pigmentation inside the cornea. On day four, the patient is called again and we remove the BCL, which is the bandage contact lens. And after that, patient has to put on the medication, topical drops, and after that he is free. This is the pigment which is used for the corneal pigmentation. So this is also available in brown color, black color, and even in blue color. So those people who are having blue iris or the blue eyes can be used, we can use a blue pigment in those cases. बिल्कुल ठीक है, not even a red spot around your eye, ठीक है? अभी एक lens अंदर है, which is to be removed on day 4. Of the surgery. Day 4 मतलब Saturday. Saturday, perfect. तो Saturday को आना है, lens निकाल देंगे, medications continue करनी है, till 1 month, ठीक है? उसके बाद बंद कर देंगे. Right. Thank you so much. कल जब मैं यहाँ अपना eye surgery कराने आई थी Eye7 में, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन जब मैं surgery कराने गई, तो मुझे बहुत ही अच्छा feel हुआ, क्योंकि surgery के time मुझे बिल्कुल भी pain नहीं हुआ था, और बहुत अच्छा और smooth तरीके से मेरा surgery हो गया, और उसके बाद मुझे feel हुआ कि मेरे दोनों eye same जैसे हो गए हैं, बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा squid eye का problem है, वो after 3 months मैं फिर से वापस Eye7 आऊँगी. यहाँ से ही ट्रीटमेंट कराना है मुझे, फिर उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा. और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि मेरे नॉर्मल हो गए हैं दोनों आईज, जो सालों से मुझे जिसको छुपाना पड़ा था, अब मुझे कुछ छुपाना या कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं ओपन दुनिया में घूम सकती हूँ. हाँ, मिरर में फेस देखे बहुत अच्छा लगा विदाउट लेंस. फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरा वो दोनों ही आई सेम है, ब्लैक है. आई फील गुड. और आई होप कि मेरा स्क्विड आई भी ऑपरेशन हो जाएगा, तो मेरा परफेक्ट हो जाएगा आई. ऐसे मुझे अभी भी खुशी है कि मुझे लेंस पहनना नहीं पड़ेगा और मेरा आई बराबर हो गया है. ये चीज़ बहुत हार्ड करता है कि आपका एक आँख परफेक्ट नहीं है, दूसरों से आप अलग दिखते हो. ये सब वजह से बहुत बार मन में नेगेटिव ख्याल भी आता है, बहुत लोग आपका मजाक उड़ाते हैं. मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप आके ये करवा लीजिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा. और लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी. सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग आपके मजाक नहीं उड़ाएंगे. वो सबसे अच्छा है कि आप ऑपरेशन करा लीजिए और अपने लाइफ को आगे मूव ऑन करिए. जो हो गया उसको तो वी कांट चेंज, बट आने वाले कल को तो हम चेंज कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं.